बेटे बिफोर आई बिगिन विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ माय चॉइस का, पूरे चैप्टर में से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि वो पहले आपको सर से पहले पूछ लेना चाहिए, बता दीजिए, मैं पहले वो करवा दूंगा, इनर्शिया वाला टॉपिक। और एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा जीरो हो सकती है अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन जहां से वो आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और वो ऑब्जेक्ट में भी सर्कुलर ट्रैक, बेटे लिसन पुत्र केयरफुली, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करके वन कंप्लीट मतलब रोटेशन के बाद वहीं पे वापस आ जाएगा तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग जैसे आप इनर्शिया कह रहे हो, इसके बिना जो भी आपका प्रायोरिटी बेसिस पे कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो बता दीजिए, मैं पहले वो एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ जी, मोमेंटम क्या होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है, इनर्शिया हो गया आपका, और यस बेटा किस, हाँ वो इसी में करवा देता हूं मैं आपको, रिकॉइल वेलोसिटी इसी में निकाल देता हूँ, डोंट वरी। तो दीज आर द टॉपिक्स बेटा, करें सर देन इन ऑर्डर टू हैव द कंसेप्ट ऑफ अवर इनर्शिया डिस्कस। बेटा एक सिंपल एग्जांपल अज्यूम करिए कि एक ह्यूज रॉक है और उस रॉक को आप डिस्प्लेस करना चाहते हो, यू अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट रॉक, रॉक है बड़ी है हैवी होगी नहीं मूव कर पाएंगे, है ना, उस रॉक की एबिलिटी प्रॉपर्टी टू रिटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट बेटे जो है उसको इनर्शिया बोल देते हैं। इनर्शिया कहीं ना कहीं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ भी रिलेटेड है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो दैट विल पोजेस लार्ज इनर्शिया। इसका मतलब क्या होगा लार्ज इनर्शिया का, कि उस बॉडी की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है अपनी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करने की। एक डस्टर है यहां पड़ा है, मेरा मन नहीं किया ज्यादा फोर्स लगाने को, ये यहीं पे पड़ा है, अगर इस पे जरा सी फोर्स लगाते हैं तो ये देखिए डिस्प्लेस हो रहा है। इसकी एबिलिटी टू बी इन इट्स प्रेजेंट स्टेट इनर्शिया कहलाता है, क्योंकि इसका मास कम है, थोड़ा है, छोटा है, जब आप इस पे फोर्स अप्लाई कर देते हो तो ये डिस्प्लेस हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट स्टेट को रिटेन करने की एबिलिटी बहुत कम है, थोड़ी है, बिकॉज इट इज लेस मैसिव बेटा। सो फिर से मैं रिपीट करूंगा बेटा, इनर्शिया किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या वो जो बॉडी है वो अपनी प्रेजेंट जो उसकी पोजीशन है या स्टेट है उसको रिटेन करने की कोशिश करती है। ये तीन टाइप का होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन बेटा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको कह देता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर रहेगी अनलेस और अनटिल आप उसको डिस्प्लेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई नहीं करते। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका एक, आप किसी हॉर्स राइडर का एग्जांपल ले लीजिए, हॉर्स राइडर इज रेडी टू राइड ऑन द हॉर्स,
हॉर्स एंड इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, और हॉर्स सडनली मूव करना स्टार्ट कर देता है, हॉर्स राइडर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है बिकॉज अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स दैट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट विद हर, बट द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स दैट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग विद द हॉर्स, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो इनर्शी ऑफ रेस्ट की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएगा। और सेम इनर्शी ऑफ मोशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी कोई भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है दैट विल कंटिन्यू मूविंग अनलेस और अनटिल आप कोई अपोजिंग फोर्स अप्लाई नहीं करते। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका भी, वही राइडर आप फिर से ज्यूम कर लीजिए, राइडर राइडिंग कर रहा है, हॉर्स रनिंग पोजीशन में है, लेकिन अचानक हॉर्स को रास्ते में कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, हॉर्स स्टॉप्स ऑल ऑफ ए सडन, राइट। तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी ऑफ द हॉर्स विल ट्राई टू कंटिन्यू इन इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन जो लोअर पार्ट है बॉडी का राइडर की जो कॉन्टेक्ट में है हॉर्स के साथ वो रेस्ट पे आ जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द राइडर विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक और आप इम्पॉर्टेंट बड़ी छोटी सी बात किया करते हो दैट व्हेन वी आर टेकिंग ए टर्न वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अलोंग विद अवर लगेज एंड अदर आर्टिकल्स एंड दैट इज ऑल टाइड ऑन द रूफ ऑफ ए बस और ए कार, देन बिटवीन दैट मे बी सफरिंग द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन रेस्ट मोशन, इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज टू होल्ड दैट अलोंग विद ए टाइट रोप ऑन द रूफ ऑफ द बस और द कार। सो आपको एक लास्ट टाइम क्वेश्चन भी बेटे एग्जाम्स में आया था कि ए कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, वाई इट इज सो बेटा, जब हम कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हैं तो इमीडिएटली जिस जगह पर आप इम्पैक्ट करते हो कारपेट कम्स इन मोशन बेटा, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे रिमेन एट रेस्ट एंड दे फॉल डाउन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो आपका कारपेट थोड़ी देर में डस्ट फ्री हो जाएगा। सो दैट इज बिट इज समथिंग रिगार्डिंग इनर्शिया। इसके बाद पुत्र मैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की ब्रीफली बात करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक आपने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर, F1 इसका आपने नाम रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद आपने इसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया और इसका नाम आपने रख दिया बेटे F2 फोर्स। एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। अगर बेटे F1 फोर्स आपका F के बराबर हो, F2 फोर्स भी आपका F के बराबर ही हो, तो दोनों फोर्सेस जो हैं दे विल ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अपोजिट टू ईच अदर कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पर बेटे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है दैट विल बी जीरो, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, राइट बेटा। अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी हम इसको बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स, क्यों, इस फोर्स को इसने बैलेंस कर लिया या इसको इसने बैलेंस कर लिया, एक ही बात है। सो बैलेंस फोर्स आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की चेंज नहीं ला सकती, बैलेंस फोर्स आपके ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मूव नहीं करवा सकती, बैलेंस फोर्स ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे नहीं लेके आ सकती, तो ये बैलेंस फोर्स हमारे कोई ज्यादा काम की नहीं। अब हम बात करें अगर अनबैलेंस फोर्स की, इमेजिन करिए ये आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स F1 इस तरफ एक्ट किया, एक और फोर्स F2 आपका इस तरफ एक्ट कर दिया, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन द टू, जो ये दोनों फोर्सेस इफेक्ट डाल रही हैं
वो इफेक्ट अकेला ही ये फोर्स आपका डाल देगा। तो इसको हम इन दोनों का रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि आपका इस केस में इन दोनों फोर्सेस में बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस नहीं किया, और आपका ये वाला फोर्स बेटे जो है वी विल कॉल दिस एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो शायद हमने पहले भी बात की होगी, जब भी हम वर्ड फोर्स यूज करेंगे फॉर अवर फर्दर डिस्कशंस तो वी विल मीन दैट दैट विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज बैलेंस फोर्स कुछ कर ही नहीं पाता, ये वर्क नहीं कर पाता बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है। राइट बेटा, बैलेंस अनबैलेंस समझ आ गया सबको? अब अनबैलेंस में बेटे ध्यान दीजिएगा जरा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक मिनट बच्चे, एक मिनट पुत्र, आपको एक ऑब्जेक्ट है, इसपे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन आपके सामने, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन अगेन आपके सामने, अब मुझे बताइए नेट फोर्स किधर होगा? इधर, कितना, क्यों? बिल्कुल ठीक बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरफ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, आपने ये सब कैसे कैलकुलेट किया, आपके माइंड ने क्या किया, जिधर फोर्स ज्यादा है उसमें से कम वाली फोर्स को माइनस कर दिया। हमेशा याद रखिए, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है जिधर ज्यादा फोर्स का कंपोनेंट होता है ज्यादातर उधर ही होती है। राइट बेटा, तो आपका रिजल्टेंट इस केस में 90 न्यूटन आ जाएगा बेटा, इट विल बी योर अनबैलेंस फोर्स, और अगर ये दोनों 10-10 की हो तो फिर जीरो हो जाएगा, फिर वो बैलेंस हो जाएगा। सो ये एक ही एग्जाम्पल के साथ आपके दोनों केसेस एडजस्ट हो जाते हैं। राइट बेटा, चलें जी आगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, देन बी अटेंटिव। वो लास्ट बच्चा कुछ कहना चाहता है, बार बार घड़ी देखी जा रहे हो, टाइम हो जाएगा बेटे, टाइम से पहले थोड़ी हो जाएगा, वो टाइम तो अपनी स्पीड से ही चलेगा। आइए देखें, मोमेंटम, द टर्म मोमेंटम क्या है, और हम मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसके यूनिट्स क्या हैं, इसका फॉर्मूला क्या है मोमेंटम बेटे जो। हाँ जी बोलिए पुत्र, दिख क्यों नहीं रहा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, करके देखो, नहीं नहीं इसको चलती रहने दो, नो 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 इसको भी चलने दो, नो 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 इसको भी चलने दो, नहीं कोई नहीं, बंद करनी सारी जगह दो, कोई बात नहीं, अच्छे से दिखेगा, ध्यान दीजिए। यस, मोमेंटम जो है इट इज बेटा डिफाइंड एज द, अब दिख रहा है कि नहीं, लेट मी सी, इतना बड़ा अच्छा वाला दिख रहा है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। यस प्लीज, मोमेंटम जो है इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी, और इट इज डिफाइंड एज रादर द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। बेटा किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन कंटेन्ड है उसको हम बेटे बोल देते हैं मोमेंटम बेटे।
और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फर्दर मोर पी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो मैथमेटिकल टर्म्स में आप लिख सकते हो पी इज इक्वल टू एम इन टू वी. ये आपका मोमेंटम है किलोग्राम मीटर पर सेकंड आर द पॉसिबल यूनिट्स. मास किलोग्राम में एसआई सिस्टम में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड्स में. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द टर्म मोमेंटम. एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम, इसमें एक हमारा बड़ा मेजर एप्लीकेशन है दैट इज रिकॉइल ऑफ द गन. इसको हम बड़ा डिटेल में स्टडी किया करते हैं. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम दैट इज रिकॉइल ऑफ द गन. आप लिख सकते हो रिकॉइल ऑफ द गन क्या है. लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल. रिकॉइल ऑफ द गन, इससे पहले कि हम बेटा रिकॉइल ऑफ द गन स्टार्ट करें, कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा. हां जी बेटे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बैठिए. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर कब होगा? यस, आप कुछ कह रहे थे. व्हाट डू वी मीन बाय एन आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट? दिस इज द पॉइंट. यही मैं पूछना चाह रहा था. कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, उसका मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. जितना मोमेंटम उसका बिगनिंग में होगा, उतना ही मोमेंटम उसका बेटे आफ्टर सम टाइम रहेगा. मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपका अप्लाइड फोर्स उस पे जीरो है. इसको आप ऐसे भी कह सकती हो कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट मोमेंटम इट रिमेन्स कंजर्व्ड और कॉन्स्टेंट बेटे. सो रिकॉइल ऑफ द गन जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. और इस सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए वी जनरली टेक द केस ऑफ ए गन एंड इमेजिन कर लीजिए ये एक गन है और गन का मास कैपिटल एम. क्या हुआ, ठीक नहीं बनी? क्या कहते हो? फिर वही बिहेविंग स्ट्रेंजली कर रहे हैं बेटे, कर रहे हैं, मुझे करने को दो. ये लीजिए बेटा आपका बुलेट भी आ गया. इट इज द केस बेटे बिफोर फायरिंग द गन. जही चक्कर लगाइए, जही जही.
इसका मास है स्मॉल एम, दिस इज द बुलेट इनसाइड द गन, गन हैवी है बड़ी है, मास कैपिटल एम है, बुलेट छोटी है लाइट वेट है, मास स्मॉल एम है। जब हमने फायर नहीं किया, गन रेस्ट पे था, बुलेट भी रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम आपका जो सिस्टम का है, मास ऑफ द गन इनटू इट्स वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द बुलेट इनटू इट्स वेलोसिटी एंड दिस इज जीरो। जब आपने गन से फायर किया, गन की वेलोसिटी कैपिटल बी, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल बी हमें नोटिस हुई बेटा। इसका मीनिंग ये हुआ, फाइनल मोमेंटम जो है मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन राइट, मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हैज टू बी कंपेयर्ड टू द फाइनल मोमेंटम, पी फाइनल मस्ट बी इक्वल टू पी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम आपके पास है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। आपको कैपिटल बी निकालना है, मास इनटू कैपिटल बी माइनस एम बी के बराबर आ गया, कैपिटल बी बच्चों माइनस एम बी अपॉन कैपिटल एम के बराबर आ जाता है। और यहां पे नोट करने वाली बात ये साइन की है, ये साइन इंडिकेट कर देता है कि जिस डायरेक्शन में ये बी है कैपिटल बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, बुलेट तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, अगर आप बुलेट को देखें ये इस डायरेक्शन में जाएगा, गन जो है इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको बोल देते हैं किक बैक ऑफ द गन बेटा, गन ऑलवेज किक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोशन है गन का, दिस इज टर्म्ड एज रिकॉइल ऑफ द गन। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो मास ऑफ द गन है, जितना ये ज्यादा होगा उतना रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा, थोड़ा होगा बेटा। इट विल मीन दैट बेटा हैवी गन से अगर फायरिंग होगी तो उसका रिकॉइल कम होगा और ऑपरेट करने वाले सोल्जर्स को या पर्संस को कम इंजरीज फेस करनी पड़ेगी। हाँ जी बेटे, कैपिटल एम बढ़ गया बेटा, ये डिनोमिनेटर में है तो दैट विल मेक दिस कैपिटल बी लेस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीबीएसई में बार बार पूछा जाता है, आप जवाब देंगे, व्हाई द सोल्जर्स आर ऑलवेज एडवाइज टू होल्ड द गन टाइटली विद देयर सोल्जर्स, वाई द, अब उतार लो ना इसको, उतार के बोल दो, जब पहनना है तब उतार लेना, जब उतारना तब पहन लेना, वाई द सोल्जर्स आर एडवाइज टू होल्ड द गन टाइटली विद देयर शोल्डर्स, हाँ हाँ पता है मुझे, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, आपको आता है, बैठिए सुनिए ध्यान से। बैठिए, यस, वेरी गुड, हाँ जी बोल दीजिए, यस मोमेंटम नहीं मास। एक मिनट के लिए सुन लीजिए पहले बेटे एग्जैक्ट आंसर, फिर आप अपना सजेशन देना, सुन लीजिए जरा ध्यान से बेटा, जब भी, एक मिनट बेटे प्लीज वेट कर लीजिएगा,
जब भी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उनको कहा जाता है कि गन को अपने शोल्डर्स के साथ टाइटली होल्ड करके रखना है, बिकॉज जब वो गन को टाइटली अपने शोल्डर्स के साथ होल्ड करके रखेंगे तो उनकी बॉडी और गन एक सिस्टम बन जाएगा बेटा। द बॉडी ऑफ द सोल्जर्स एंड द गन, ये एक ही सिस्टम बन जाएगा। और जब ये एक सिस्टम होगा तो कैपिटल एम जो है इट विल बिकम वेरी 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 लार्ज, बिकॉज गन के मास में पर्सन का मास ऐड हो गया। और जब ये लार्ज हो जाएगा तो कैपिटल बी कम हो जाएगा और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में बड़ा कम किक करेगी, किक बैक कम करेगी, उससे जो है पर्सन उसको कम इंजरीज फेस करनी पड़ेगी। राइट, स्टैंड अप नाउ, यू इंटेंडेड टू से समथिंग? थर्ड लॉ। हाँ हाँ लिसन 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 बेटा, यस, आप न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कहना चाहते हो उत्तर? बैठिए बेटा, वी कैन आल्सो से दैट कि आपका जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बिकॉज जब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हो, आपने इसको जब बेटे प्रूव किया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, उस टाइम पर आपने न्यूटन थर्ड लॉ से ही स्टार्ट किया था, दैट इज एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिएक्शन बेटा। और वहां पे आपने फोर्स की फिर न्यूटन सेकेंड लॉ से डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट कर दी थी और आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया था। डू आई नीड टू हैव द प्रूफ रिपीटेड और इट्स ओके? ओके बेटे, देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा डिस्कस करने वाला, आइए फोकस करें इस पॉइंट पे भी। आपको कई बार कहा जाता है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सप्लेन व्हाई बेटा? फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाई इट इज इट इज सो? काफी बार पूछा गया है, जरा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आप न्यूटन सेकंड लॉ अगर ध्यान से समझो और पढ़ो, वहां पे आपको उन्होंने दिया हुआ है दैट एफ इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। प्लीज सेटल डाउन बेटा, ध्यान दीजिएगा। चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चलेंगे आगे चलें, एंड इट इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस यू अपॉन टी। बच्चों देखो ऐसे लिखा करते थे हम, अगर आप ध्यान से देखें इस रिलेशनशिप को बेटा, तो यहाँ पे एफ जो है इट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एम जो है इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है बेटा, लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन व्हाई नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है जी, या यूनिफॉर्म की जगह पे वो कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर बच्चों देखो इस फॉर्मूला के साथ अगर हम फेमिलियर हैं
तो आपको सारे पैरामीटर्स पता है कि क्या क्या है ये। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और हमने कहा है कि कोई फोर्स नहीं चाहिए। अगर आप लिख दो कि एफ जो है दिस इज इक्वल टू जीरो, तो दैट विल डायरेक्टली मीन दैट आपका जो है लेफ्ट साइड जीरो हो गया। अगर नो फोर्स एक्ट करेगी तो लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, तो वी कैन से दैट जीरो इज इक्वल टू एम इनटू वी माइनस यू अपॉन टी बेटा। बच्चों ऐसा है ना, और इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं एम वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब बच्चों मास तो जीरो है नहीं, मास तो जीरो नहीं ना है, इसका मतलब है ये चीज जो है इट मस्ट बी जीरो जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके जीरो दे रही है। उसी बात पे आ रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है। इट विल मीन दैट बी माइनस यू अपॉन टी इट मस्ट बी जीरो। अब देखो जब आप फोर्स लगाते हो थोड़े टाइम के लिए, तो टाइम तो आप जीरो नहीं कहोगे। यहां ऐसे करो, आप टाइम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी माइनस यू विल बी इक्वल टू जीरो और वी इट विल बी इक्वल टू यू। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, बराबर है, इक्वल है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपके ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। या इसको आप डिफरेंटली भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब आप यूनिफॉर्म की बात करोगे तो वी यू बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट की बात करोगे तो भी वी यू बराबर ही रहेगा बेटा। सो इन दिस वे हम बेटा इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि कभी भी कोई भी फोर्स नहीं चाहिए होगा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, राइट बेटा। सो ये सारे आपके डाउट्स थे, स्टिल किसी और स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ जी क्या नहीं ये हमने, हाँ जी वहां से प्रूव किया ये। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, एक मिनट वेट करिएगा, एप्लीकेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कल पढ़ के आइएगा। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल टेकिंग ए कैच, ए पर्सन फॉलिंग ए सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड, बाइल ए पर्सन फॉलिंग ऑन द हीप ऑफ सैंड डजंट गेट इंजर्ड, व्हाई द आर्टिकल्स मेड अप ऑफ ग्लास आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ। सो ये सारा कल थोड़ा पढ़ के आइएगा, कल आगे बात करेंगे। थैंक यू ऑल।